जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इमरान खान को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर करके पूर्व पीएम इमरान खान को एक मामले में मुख्य आरोपी बताया है। इमरान खान पर यह चार्जशीट वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास से गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के लीक होने के संबंध में दायर की गई है और इसमें पूर्व विदेश मंत्री और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी भी आरोपी बन गए हैं। पिछले साल मार्च महीने में इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज का खुलासा किया था, जिसे शासकीय गोपनीयता का उल्लंघन मानते हुए उन पर केस दर्ज किया गया था और अगस्त महीने में गिरफ्तारी भी हुई थी। FIA ने जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, अगर वो अदालत में साबित हो जाते हैं तो इमरान खान को 2 से 14 साल की कैद या मौत की सजा हो सकती है। चार्जशीट में 27 गवाहों का भी जिक्र है, जिन्हें गवाही के लिए जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान खान पर इस वक्त 180 से ज्यादा केस चल रहे हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही इस वक्त जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई की दूर तक संभावना